जस्ट इमेजिन आप 21 साल से एक जॉब पर काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको बहुत शोहरत, नाम, पैसा सब कुछ मिला, एंड सडनली यू क्विट दैट जॉब आफ्टर 21 ईयर्स टू गो टू अ मच बेटर प्लेस. बाय मच बेटर प्लेस आई मीन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एज अ प्रोफेसर, एंड यू क्विट द जॉब एंड यू अनाउंस इट ऑन सोशल मीडिया, एवरीबडी नोज अबाउट इट, एंड सडनली आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर इट टर्न्स आउट दैट वॉज अ फिशिंग अटैक. मीन्स के वो जो जॉब ऑफर आपको आई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो एक स्कैम थी, एंड यू ऑलरेडी क्विट योर जॉब, आपके पास नई जॉब नहीं है, आपने सबको बता दिया. इट्स अ लॉस ऑफ फेस, इट्स अ लॉस ऑफ ट्रस्ट, एंड इट्स लॉस ऑफ अ लाइवलीहुड. ऐसा ही कुछ हुआ निधि राजदान के साथ. निधि राजदान इज अ जर्नलिस्ट विद NDTV फॉर द लास्ट 21 ईयर्स, एंड शी इज बिन विद देम थ्रू थिक एंड थिन. द चैनल इटसेल्फ हैज ग्रोन अलॉन्ग विथ हर. और वहाँ पर वो एक शो जिसका नाम है लेफ्ट राइट एंड सेंटर, वो होस्ट भी करती थी, एंड शी हैज़ बिन विद द चैनल रिपोर्टिंग ऑन मैनी मैनी बिग स्टोरीज, इवन वेन आई वॉज इन टाइम्स नाउ एंड न्यूज़ एक्स एंड यू नो जूम टीवी, आई हैव सीन हर रिपोर्टिंग एंड ग्रोइंग विद द चैनल. लेकिन जून 2020 में उनको एक ईमेल आया अपेरेंटली फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और सो शी थॉट, और उन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी बिकॉज द ईमेल एंड द ऑफर एंड ऑल द करेस्पॉन्डेंस सीम लाइक वेरी जेन्युइन. लेकिन अब जाकर जनवरी में कल उनको पता चला फाइनली दैट ये सारा एक बहुत बड़ा स्कैम था. ऑफकोर्स हर जॉइनिंग डेट केप्ट गेटिंग डिलेड एंड द करेस्पॉन्डेंस दैट वॉज कमिंग सीम्ड वेरी नॉर्मल एंड एक्सट्रीमली ऑथेंटिक, क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम में सबकी जॉइनिंग डेट्स पीछे हुई, सबको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, तो शी थॉट इट्स पार्ट ऑफ द न्यू नॉर्मल. लेकिन इमेजिन हर बिग सरप्राइज दैट निधि राजदान गॉट टू नो दैट 21 साल से वो जॉब कर रही थी और उसने जॉब छोड़ दी टू गो टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एंड शी वाज सो एक्साइटेड, बट इट वाज ऑल वन बिग लाई. और उन्होंने कल ट्विटर पर जाकर ये इतना बड़ा एक लेटर लिखा जो मैं आपको रीड करके बताता हूँ, विच विल टेल यू द स्केल ऑफ दिस ट्रेजेडी दैट हैपेंड विथ हर, एंड वेदर यू बिलीव इन निधि राजदान्स जर्नलिज्म और नॉट और हर आइडियोलॉजी इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन द रीज़न आई एम डूइंग द स्टोरी इज बिकॉज ये हमारे किसी के भी साथ हो सकता है. दीज पीपल हु आर डूइंग दीज फिशिंग कैम्प्स, यहाँ पर भी UAE में भी कई बार ऐसे ईमेल्स आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं, और यहाँ की बैंक्स और यहाँ की गवर्नमेंट कहती रहती है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू लुक फॉर द टेल टेल साइंस विच दे टेल यू, लाइक राइट फ्रॉम द ईमेल ID टू द साइंस एंड सिग्नेचर्स, वाइल ऑल्सो टॉकिंग टू द पीपल हु आर सेंडिंग यू द ईमेल. उस कंपनी को जाके मैंने खुद कितनी बार ईमेल्स किए हैं और उनसे पता चला, क्योंकि यूट्यूब चैनल होती है तो लोग आपको ईमेल करते हैं कि यू नो आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, हमें आपके साथ जुड़ना है, आप ये फॉर्म भर दो, आप ये कर दो, एंड यू विल गेट मनी और यू विल गेट यू नो फ्री प्रोडक्ट्स और व्हाटएवर. बट आई ऑलवेज गो अहेड एंड आस्क दीज कंपनीज दैट आर सेंडिंग, एंड मोर ऑफन देन नॉट इट टर्न्स आउट टू बी अ स्कैम. बहरहाल निधि ने ये जो लेटर लिखा है वो आप सबको पढ़ना चाहिए. इट्स देयर ऑन हर ट्विटर अकाउंट. इट सेज इन जून 2020 एंड आफ्टर 21 ईयर्स विद NDTV आई डिसाइडेड टू मूव ऑन एंड सेड दैट आई वुड बी जॉइनिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एज एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जर्नलिज्म. आई हैड बीन गिवन टू बिलीव दैट आई वुड बी जॉइनिंग द यूनिवर्सिटी इन सेप्टेम्बर 2020. वाइल आई वॉज मेकिंग प्रिपरेशन टू टेक अप द न्यू असाइनमेंट आई वॉज लेटर टोल्ड दैट ड्यू टू द ऑन गोइंग पेंडेमिक माई क्लासेस वुड कमेंस इन जनवरी 2021. Along with these delays, I began noticing a number of administrative anomalies in the process being described to me. At first, I had dismissed these anomalies as being reflective of the new normal being dictated by the pandemic. But recently, the representations being made to me were of an even more disquieting nature. As a result, I reached out to the senior authorities at Harvard University for clarity. Upon their request, I shared some of the correspondence that I believed I had received from the university. After hearing from the university, I have now learned that I have been the victim of a sophisticated and coordinated phishing attack. I did not, in fact, receive an offer by Harvard University to join the faculty as an associate professor of journalism. The perpetrators of this attack used clever forgeries and misrepresentations to obtain access to my personal data and communications, and may have also gained access to my devices and my email and social media accounts. Alarmed at the scale of this attack, I have filed a complaint with the police and provided them with all the relevant documentary evidence. I have requested them to take immediate steps to identify, apprehend, and prosecute the perpetrators of this abominable attack.
Separately, I have also written to the Harvard University authorities and urged them to take the matter very seriously. In the past few days, I have written to the individuals and organizations with whom I have been in touch with over the past few months to keep them informed of this shocking development. And her last line is, I hope that the police are able to get to the bottom of this attack at the earliest and help me bring this unsavory incident to an end. Nidhi Razdan ke is letter ke baad, which takes huge courage, by the way, to actually go out and tell that I have been conned, because a lot of people obviously trolled her also after that, and people said that aap itne zyada gullible kaise ho sakte ho. But a lot of people gave her support also, and she said on Twitter that I have been overwhelmed by the support and the DMs that I have got, and she's taking a break right now from social media. She's going away and she's saying that I'll come back as new. I can understand, because right now she needs to figure out what she wants to do with her life. Probably she may not be going back to NDTV for all I know, or all anybody knows. Or Harvard University se koi, वैसे तो कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैज़ ऑफकोर्स सेड दैट दे डोंट हैव एनी सच पोजिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म, दे ओनली हैव वन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस. तो निधि को लगा होगा कि वहाँ पर उनको बुलाया गया, बट ऐसी कोई पोजिशन है नहीं और ऐसा कोई लेटर कभी उनकी तरफ से गया नहीं है. हम सबके साथ ये फिशिंग अटैक्स होते रहते हैं, आए दिन ईमेल पे एटलीस्ट 2 या 3 ऐसे मेल्स आते रहते हैं, कॉल्स भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं. वी ऑल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी ऑल हैव टू रियली टेक केयर ऑफ आर सेल्स, बिकॉज वंस वी फॉल फॉर दिस, इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एज वेल. निधि राजदान इज़ अ सेलिब्रिटी न्यूज़ एंकर, अगर उनके साथ हो सकता है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है. बट बिफोर आई गो, फॉर ऑल दोज हु आर वंडरिंग कि ये क्या जगह है, तो दिस इज़ हत्ता, विच इज़ क्लोज टू ओमान. वैसे तो ये UAE में है, बट दिस इज़ बॉर्डरिंग टू ओमान. और ये जो ब्यूटिफुल नज़ारा आप देख रहे हो मेरे पीछे, इट ऑल इज़ कॉल्ड हत्ता. और यहाँ पर एक डैम भी है, यहाँ पर कायाकिंग भी होती है, यहाँ पर एक हेरिटेज विलेज भी है, और यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे कैनोपीज नीचे बने हुए पार्क है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, बारबेक्यू कर सकते हो, एंड यू कैन रियली हैव अ गुड टाइम, स्पेशली इन दिस वेदर, बिकॉज इट्स कूल एंड इट्स वेरी विंडी. सो इफ़ यू आर इन द UAE, दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट गो प्लेसेज इन दिस वेदर. Thank you so much for watching.